अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बेटियों के मुतल्लिक बताने जा रहे हैं कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि बेटियों को नापसंद ना किया करो। ये तो बहुत बड़ी मोहब्बत करने वाली और बहुत ही कदर के लायक होती हैं। जैसा कि ज़माने जहालियत में लोग जो होते थे, बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे, उन्हें सिर्फ लड़के चाहिए होते थे। लेकिन आज के दौर में भी हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेटियों के पैदा होने पर खुशी का इजहार नहीं करते। हालांकि बेटी रहमत होती है, तो इंसान को जब इस रहमत से नवाजा जाता है तो वो बड़ा नाशुक्रा हो जाता है, तो अल्लाह की इस नेमत के फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो समझता है कि शायद मैं इसका बोझ नहीं उठा सकूँगा। हालांकि अल्लाह जब किसी को खुश करना चाहता है तो उसे बेटा अता करता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसे बेटी अता करता है। और फरिश्ते उस पर जब वो कोई बच्ची पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तो फरिश्ते अपनी रहमत के जो पर होते हैं उस पर ऐसे फैला देते हैं और कहते हैं कि ए बेटी, हम दुनिया में तेरे बाप के रिस्क में इजाफा करेंगे और इसकी मदद करेंगे। लेकिन जो हम मुसलमान हैं वो बेटी पैदा होने पर बहुत ही अफसुदा हो जाते हैं कि हाय, हमारे यहाँ बेटी पैदा क्यों हुई।